नमस्कार, जय हिंद। आई सिंधी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में सबसे पहले हम करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं और सबसे लास्ट में हम एमसीक्यूज़, उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो एफडीआई के बारे में है। तो चीन विश्व का सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक रिपोर्ट की चर्चा की गई है 24 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको शॉर्ट में आप अंकटाड बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अंकटाड। इसने एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट का नाम क्या है? वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट, अर्थात जो निवेश का रुझान है उस पर, उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक एफडीआई में 42% की गिरावट आई, क्योंकि 2020 तो पूरा लॉकडाउन में ही चला गया, ठीक है, फरवरी मार्च के बाद तो पूरी दुनिया लॉकडाउन में ही रही। तो यहाँ पर जो एफडीआई में 42% की लगभग गिरावट देखने को मिली, और अनुमान है कि 2021 में भी यह गिरावट जारी रहेगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2020 में जो चाइना है वो अमेरिका से ज़्यादा एफडीआई आकर्षित करने वाला, मतलब, देश बन चुका है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, चाइना ने 2020 में सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया और अमेरिका को उसने पीछे छोड़ दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रिपोर्ट। यहाँ पर बताया गया जो 500 कंपनियाँ हैं ग्लोबल 500, उनके बारे में बताया गया है। तो एक लिस्ट जारी की गई ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 के नाम से। इस लिस्ट में एप्पल ने एक बार फिर से बाजी मारी है, मतलब टॉप पर कौन सी कंपनी है, एप्पल है, आप जानते हैं। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिलायंस जियो के बारे में। पहली बार रिलायंस जियो शामिल हुई है और इस ब्रांड की लिस्ट में 5वीं रैंकिंग हासिल किया है। कितनी रैंकिंग है रिलायंस जियो की? 5वीं रैंकिंग हासिल है, ठीक है, हासिल किया है। अब यहाँ पर ब्रांड वैल्यू के बारे में, और नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इन सब चीज़ों को अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, जियो टेलीकॉम सेक्टर में, जो जियो है, रिलायंस जियो है, वो टेलीकॉम सेक्टर में ब्रांड वैल्यू के लिहाज से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड है, ठीक है। जबकि अगर पूरे उद्योग जगत की बात करें तो वहाँ पर नकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। तो और यहाँ पर जियो का जो ब्रांड वैल्यू है वो कितना है? $4.8 बिलियन है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई ख़ास बात नहीं है। भारत का वैक्सीन मैत्री। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीतिक संबंधों के अलावा हमारी सॉफ्ट पावर भी मायने रखती है, जैसा कि इस समय देखने को मिल रहा है वैक्सीन, ठीक है। और भारत के द्वारा जो विकसित है कोविशील्ड, जिसका SII के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और एक है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक के द्वारा, जिसका निर्माण किया गया। तो ज़्यादातर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर संबंधों को बनाए रखने के लिए, और भारत अनेकों प्रयास करता है आपदा में उनकी मदद करना, उसी तरीके से ये जो कोरोना भी एक आपदा के रूप में दुनिया के सामने चुनौती बन के आई, तो भारत ने खुले हाथों से कोविशील्ड को हमारे पड़ोसी देशों को प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इसी को कहा गया भारत का वैक्सीन मैत्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत बहरीन, श्रीलंका, यहाँ पर कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी खेप भेजी है। इससे पहले बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, यहाँ भी वैक्सीन भेजी जा चुकी है, ठीक है। तो जब IR का टॉपिक आपका मेंस का है और उससे यहाँ पर लिंक इसको कर सकते हैं। वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत भारत ने श्रीलंका को 50,400 डोज का कंसाइनमेंट और वहीं बहरीन को 10,800 का कंसाइनमेंट, मतलब डोज दिया है, ठीक है। और याद रखना, सभी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको कोविशील्ड दिया जा रहा है, ना कि कोवैक्सीन, ठीक है, याद रखना इतना। चलिए आगे चलते हैं। माउंट मेरापी में विस्फोट। माउंट मेरापी, सबसे पहले याद रखना है आपको, एक ज्वालामुखी है और इसमें विस्फोट हुआ। यहाँ पर ये है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ये माउंट मेरापी है, इसमें विस्फोट हुआ, क्योंकि ये जो है एक्टिव वल्केनो है। वल्केनो आप जानते हैं कि कुछ सक्रिय होते हैं जिनमें समय समय पर उद्गार होता रहता है, कुछ होते हैं कि विषुप्त हैं, जो अभी सो रहे हैं, विषुप्त, ठीक है, जो अभी सो रहे हैं, लेकिन उनमें कभी भी उद्गार हो सकता है। और एक हो जाते हैं पूरी तरीके से मृत, डेथ,
ठीक है, जो मृत ज्वालामुखी होते हैं उनमें अब कभी भी उद्गार होने की संभावना नहीं होती, और जो उनका मुख होता है उसमें झील बन जाती है, पानी जमा हो जाता है, तो मतलब उम्मीद हो जाती है कि अब कभी इसमें से फिर से उद्गार नहीं होगा। तो ये जो माउंट मेरापी है ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है, और यहाँ पर लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है, 2963 मीटर ऊंचा है माउंट मेरापी, और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है ये इंडोनेशिया में। ठीक है, यहाँ पर एक चर्चा की गई है रिंग ऑफ फायर के बारे में। रिंग ऑफ फायर क्या होता है, देखिए जब आप पूरा एटलस अपना उठाएंगे, वर्ल्ड का मैप देखेंगे, तो वहाँ पर पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे का जो एरिया पूरा है वो क्या कहलाता है, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये जो पूरा जोन है वो आता है अभिसारी प्लेट किनारे में, और अभिसारी प्लेट किनारे का गुण क्या होता है, यहाँ पर आप जानते हैं कि जहाँ पर भी दो प्लेटें टकराती हैं वहाँ पर प्लेट का क्या होता है, प्लेट भीतर जाती है, और भीतर जाने के क्रम में टेम्परेचर बढ़ता है, और फिर वहाँ पर भूकंप वगैरह, ज्वालामुखी, ये सारी गतिविधियाँ देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया से शुरू, यहाँ पर अगर मैं इधर से ले लूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर जाएंगे आप, फिलीपींस वगैरह, फिर जापान आ जाएगा, फिर उधर रशिया का पार्ट आ जाता है, फिर अलास्का, और फिर पूरा नॉर्थ अमेरिका और फिर साउथ अमेरिका। ठीक है, इस तरीके से या आप इधर से भी देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, अलास्का, जापान, फिलीपींस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरी जो प्लेट किनारा है इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्वालामुखी हैं कि अगर आप इसको आसमान से देखेंगे तो लगेगा कि एक ऐसा वृत्त टाइप, अर्ध, पूरा वृत्त नहीं है, ठीक है, यहाँ पर गैप है, ऐसा वृत्त दिख रहा है जहाँ पर हमेशा आग जलती रहती है, मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट आपको देखने को मिलता रहेगा। तो ये रिंग ऑफ फायर है, और इंडोनेशिया जो है वो रिंग ऑफ फायर में ही अवस्थित है, और रिंग ऑफ फायर पर स्थित इंडोनेशिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 2010 में भी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से 350 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार राज्य विधि आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बिहार राज्य विधि आयोग इस कमीशन की अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, उनका नाम क्या है, अंजना मिश्रा। अंजना मिश्रा जो हैं वो अभी 28 फरवरी को ये रिटायर्ड हुई थी पिछले साल। ठीक है, और अध्यक्ष बनने पर इनको सारी जो सुविधाएं दी जाएंगी वो एक हाईकोर्ट के जज के बराबर इनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अंजना मिश्रा जो है वो 15 मई 2014 को पटना हाईकोर्ट के वकील से जज बनी थी, पहले ये वहाँ पर काम करती, हाईकोर्ट के वकील के रूप में काम किया करती थी, फिर इन्हें जज बनाया गया, जिसके बाद वह फरवरी 2020 में रिटायर हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले भी सुनाए थे, तो अब इन्हें बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है, अंजना मिश्रा। आगे चलते हैं, डॉक्टर शैबाल गुप्ता का निधन, ये कौन है, जाने माने अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, या शॉर्ट में इसे ही हम आद्री या एड्री भी बोलते हैं, और इसके संस्थापक डॉक्टर शैबाल गुप्ता, इनका निधन हो गया, और कहाँ पर, पटना के एक हॉस्पिटल में। ठीक है, काफ़ी इनका रोल रहा है बिहार में भी, आप देख सकते हैं वे इंस्टीट्यूशन बिल्डर के रूप में भी जाने जाते थे, आद्री की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से शामिल है, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी शैबाल गुप्ता के निधन पर दुख जताया और घोषणा किया कि उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने, इनका जो योगदान है बिहार के क्षेत्र में, अगर आप बात करेंगे बिहार के विकास में, तो इन्होंने बिहार के विकास की चुनौतियों पर उनका जो योगदान है, इस चीज़ ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा था, मुख्यतः विकास मूलक अर्थशास्त्र, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कई प्रकार के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में इनका ज़्यादा रोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डॉक्टर शैबाल गुप्ता थे उनका इकोनॉमिक सर्वे, जब बिहार में इकोनॉमिक सर्वे पेश होता था तो उस रिपोर्ट को तैयार कराने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। ठीक है, साथ में जब वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसमें भी वो मौजूद रहते थे और रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी भी दिया करते थे। चलिए अब चलते हैं एमसीक्यूज की ओर। हाल ही में कौन सा देश शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बना? तो आप जानते हैं कि अमेरिका को पीछे छोड़ करके चाइना टॉप पर आ चुका है एफडीआई प्राप्त करने वाला देश। ये रिपोर्ट किसकी थी? अंक टाड की। ठीक है, अंक टाड, क्लियर। आगे चलते हैं, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रिपोर्ट में शीर्ष ब्रांड वैल्यू वाली भारतीय कंपनी, यहाँ पर पूछा गया भारतीय कंपनी, तो पांचवें नंबर पर कौन है?
रिलायंस जियो, और फर्स्ट नंबर पे कौन है अगर वर्ल्ड की बात करें तो वो है एप्पल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने किस देश को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाई? तो आप जानते हैं नेपाल, बहरीन, श्रीलंका, मालदीव, सबको उपलब्ध करवाया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी की अवस्थिति है, अर्थात ज्वालामुखी जो माउंट मेरापी है वो कहाँ पर अवस्थित है? मैक्सिको में, सिसली में, इंडोनेशिया में, अलास्का में? तो आप जानते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। यहाँ पर बाकी ऑप्शन गलत है, इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश सिंह, वंदना त्रिपाठी, अनुजा सिंह, जी नहीं, सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। नाम क्या है उनका, अंजना मिश्रा। ठीक है, लास्ट, बस यहाँ तक तो हमने देखा सभी क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।